कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार से मणिपुर के दो दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वो राहत शिविरों में जातीय हिंसा के कारण बेघर हुए लोगों से मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ नागरिक समाज के संगठनों से भी बातचीत करेंगे। यहां पार्टी के एक सूत्र ने ये सभी जानकारी दी। दरअसल ये मणिपुर में 3 मई को शुरू हुई हिंसा के बाद से कांग्रेस नेता का पूर्वोत्तर के इस राज्य का पहला दौरा है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि इम्फाल पहुंचने के बाद राहुल गांधी चूड़ाचांदपुर जाएंगे, जहां वो राहत शिविरों का दौरा करेंगे। इसके बाद वो विष्णुपुर जिले में मोइरांग जाएंगे और बेघर लोगों से बातचीत करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी शुक्रवार को इम्फाल में राहत शिविरों का दौरा करेंगे और बाद में नागरिक समाज के संगठनों से बातचीत करेंगे। मणिपुर में इस साल मई में जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से 300 से ज्यादा राहत शिविरों में करीब 50,000 लोग रह रहे हैं। राज्य में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, ये सरकारी आंकड़े हैं। मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में 3 मई को पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किए जाने के बाद ही मणिपुर में हिंसक झड़पें हुई। इसके बाद हिंसा बढ़ती चली गई। सरकारों की कोशिश रही, सेंटर की सरकार, राज्य की सरकार, लेकिन शायद इसका परिणाम हमारे सामने आ चुका है। आई विल टेक अ मीटिंग वेरी सून। सर, लास्ट टाइम अमित जी हैज सेड दैट कि बायोमेट्रिक वुड बी डन फॉर द इलीगल इमिग्रेशंस व्हिच इज हैपनिंग। No, immediate effort of the honorable home minister Amit Shah ji is to restore peace and normalcy in the state of Manipur first. That is the first priority. मणिपुर की 53% आबादी मैतेई समुदाय की है और ये मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि नागा और जो कुकी समुदाय है, आदिवासी समुदाय है, इनकी आबादी 40% है और ये मुख्य रूप से पर्वतीय जिलों में रहते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ और हम मणिपुर से जुड़े सभी जरूरी खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।